subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। दो दिन पहले डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असल मकसद था वो था ओवरऑल मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से मीडिया को आगाह करना। और जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में कहा कि 10 साल का कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम तक वो बात उस तरह से नहीं पहुंच पाई जिस तरह से पहुंचना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास एक सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज़ है उसकी आड़ में, या फिर जो हम हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं कि उस हाइब्रिड वॉर ने इतना लोगों को स्टीरियोटाइप कर दिया है कि जो असल ख़बर आवाम तक जानी चाहिए थी DGISPR की वो न जा सकी। और अफसोस के साथ चाय की दावत और फिर चाय की दावत का जवाब यही मीडिया की जीनत बना रहा। अब आप सोचें कि मीडिया ने आपको क्या दिखाया। मीडिया ने आपको सिर्फ कोई 15 से 25 सेकंड के दो जुमले दिखाए और उन्हीं पे प्रोग्राम्स हुए, उन्हीं पे डिस्कशंस हुई। और अनफॉर्चुनेटली आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पाक फ़ौज ने जितनी कुर्बानियाँ दी, इस पाक फ़ौज ने जितने कामयाब ऑपरेशंस किए, इस पाक फ़ौज ने जितने बड़े बड़े दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम किए, अवाम को उस हवाले से आगाही देने की बजाय अवाम को सिर्फ मौलाना की चाय की दावत पे लगा दिया गया। अवाम को क्या दिखाया गया, आए मुलाहिज़ा करें। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडिया की, और अगर इफ़ ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। वो हर दम आए, हम चाय पानी पिलाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप खुद तो पापा जोंस के पिज्जे खाएं और हमें चाय पानी पे तरसाएं, ये ज्यादती है, ये मेहमानदारी फिर नहीं है। ये वो एक छोटा सा क्लिप है जो आवाम को दिखाया गया और हर चैनल ने अपने हिसाब से इसको मुख्तलिफ एंगल्स देके दिखाया गया। असल जो खबर थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये थी कि पाकिस्तान में 2019 की बनिस्बत 2020 में जो दहशतगर्दी है उसमें 45% कमी आई है। कराची जिसमें 2013 में भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइम्स थे वो क्राइम्स पीक पर थे, और 2013 में पाकिस्तान की जो दुनिया के क्राइम इंडेक्स हैं उसमें पाकिस्तान के शहर कराची की जो रैंकिंग थी वो छठे नंबर पे थी, लेकिन 2020 में वो रैंकिंग जो है वो 103 पे चली गई है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स थी जो कि हमारे मीडिया ने आपको नहीं दिखाई अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा जो DGISPR हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बेहतरीन किस्म की खबरें थी जो मिस की गईं, और हम इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में चले गए कि जी ये मौलाना ने ये जवाब दे दिया, मौलाना ने पीज़ों की बात कर दी तो मौलाना ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, या जिस तरह जो DGISPR हैं उनका जो बयान था उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा लेकिन मीडिया में उसको ट्विस्ट करके चलाया गया और सिर्फ ये कहा गया कि जी मौलाना आएंगे तो हम उन्हें चाय की दावत देंगे। उन्होंने बारह कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसमें हमें घसीटा जाए, ना ही हमारा कोई बैकडोर है, लेकिन बजाय उसके कि हम उन पर एतबार करें हमने फिर वही जो है वो अमल किया जो कि पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान का मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, उसको प्रोपेगेट किया जाए, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सच हमेशा सामने आता है, और सच्चाई यही है कि 10 सालों में पाकिस्तान में जहाँ पर ईयर 92 दहशतगर्दी के मेजर वाक़यात हुआ करते थे
उनका रेशो घटकर साल में 13 वाकयात पे आ गया है। बम धमाकों में वाजे कमी आई है। उसके अलावा जो दीगर दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनकी रोकथाम में इजाफा हुआ है। बड़े कामयाब ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान के इदारों ने, जहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। हमारा मीडिया हसब ज़रूरत उसी सेंसेशनलाइजेशन की तरफ चला गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब आते हैं जी मौलाना साहब के ऊपर। मौलाना साहब GHQ क्यों जाना चाहते हैं, या मौलाना साहब क्यों कहते हैं कि जी हम पिंडी में धरना देंगे या पिंडी की तरफ मार्च करेंगे। देखिए मौलाना ये समझते हैं, और जो कि PDM का बयानिया है, इस्टेब्लिशमेंट का जो मुखालिफ बयानिया है, कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हुए, सिलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद फिर जो मुसलसल पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, बिलखसूस PTI के वज़रा हों या इमरान खान ख़ुद हों, वो ख़ुद इस किस्म के बयानात देते हैं जिसमें वो ख़ुद फ़ौज को बीच में लाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके जवाब में PDM ये समझती है और इस चीज़ को प्रमोट करती है कि जी देखें हमारा बयानिया जो है वो बिल्कुल ठीक है और यही कुछ हुकूमत कर रही है। और जैसे माजी में जो कंस्पिरेसी थ्योरी रिसेंटली चली हज़ारा कम्युनिटी के धरने में ना जाने के हवाले से, तो कहने का मकसद यह है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन इदारों का जो एहतराम है, इदारों की जो कुर्बानियों का एहतराम है, और इदारे जो दिन रात हमारे लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है और उन पर बात करना ज़रूरी है, उन चीज़ों को प्रमोट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अवाम के अंदर जो एक तहफ़ का एहसास है वो और ज़्यादा मज़बूत होगा। और अगर ये तहफ़ का एहसास मज़बूत होगा तो इस मुल्क की जड़ें मज़बूत होंगी, और हम सब ने मिलकर इसमें किरदार अदा करना है। इसलिए आज की हार्डलाइन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।